हेलो, वी आर लाइव नाउ। हम लाइव आ गए हैं। डेली जीके सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन 2.0 को आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी के थ्रू और अपनी फैमिली के साथ, और आपका स्वागत है आप सभी का। कल कुछ टेक्निकल वजह से वीडियो आधी में ही रुक गई थी और वो मुझे लास्ट में पता लगा कि प्रॉब्लम आ चुकी है और फिर उसमें दिक्कत हो गई थी वीडियो में। तो आज फिर से दुरुस्त करते हुए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मेरी आवाज आज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, ओके, गुड। स्वागत है ललिता यादव आपका। थोड़ा सा लेट है हम आज, क्षमा प्रार्थी उसके लिए। स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू, उत्तराखंड पीसीएस का ये पेपर है, यूके पीसीएस का। हाँ, कल भी हम बता चुके हैं और इस पेपर पे हम परिचर्चा कर रहे हैं। ओके, परमोला एजुकेशन स्वागत है आपका, आपका स्वागत है इस वीडियो में, आपका स्वागत है इस सेशन में, सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस सेशन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, समय प्रीशियस है, समय कीमती है। ओके, तो जो आज हम क्वेश्चन, कल हम 30 क्वेश्चन तक ही डिस्कस कर पाए थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन तक ही डिस्कस कर पाए थे, तो आज हम उससे आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम बात कर चुके थे 30 तक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमने बात की थी गोदावरी है, ठीक है ना, गोदावरी नदी है और इसे और नामों से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक हम कल चर्चा कर चुके थे, इससे आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। 31st क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। वर्णिका बरोला स्वागत है आपका। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है पंजाब, ध्यान रखें, पंजाब में सर्वाधिक प्रतिशत में। सुमन पांडे आपका स्वागत है, आपका सभी का स्वागत है, आप सभी का। 31st क्वेश्चन से आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। भारत में हिमांशु पंत स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है पंजाब। ओके, तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, ध्यान रखें, दूर संचार तंत्र के लिए, ठीक है ना। स्वागत है ईसा मंडाल आपका। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए जो इस्तेमाल में लाई जा रही है, तो ध्यान रखें वो है इनसेट। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो प्रणाली है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो सिस्टम है, उसको उपयोग में लाया जा रहा है, इनसेट इसे कहते हैं, अमूमन इस फॉर्म में दिया जाता है, ध्यान रहे, संचार के लिए, तो इनसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें ध्यान रखें कि जो रोहिणी है, रोहिणी आपको पता होगा कि रोहिणी भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रथम, भावना जोशी स्वागत है आपका, प्रथम जो था वो उपग्रह इससे भेजा गया था, सैटेलाइट भेजा गया था रोहिणी से, ध्यान रखें, ठीक है ना। रोहिणी कौन है? भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया पहला सैटेलाइट जो था वो रोहिणी था, ठीक है ना। और IRS प्राकृतिक सैटेलाइट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो यही है। और नेक्स्ट देखिए, कार्टोसेट जो है ना, कार्टोसेट फर्स्ट प्रथम मैपिंग सैटेलाइट था भारत का। प्रमोद आर्या स्वागत है आपका, ठीक है ना। ध्यान रखें इनसेट इसका आंसर होगा, जो दूर संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री साथियों वो है अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र, ठीक है ना। आदेश टीम भी स्वागत है आपका।
अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र जो है वो है दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है ना। और दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारती, ये भारत के क्या है, दक्षिणी गंगोत्री में इस प्रकार से अंटार्कटिका में शोध केंद्र है भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, ज्योग्राफी पे आजकल हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका भारत का भूगोल पे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट, क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहला जाता है, ठीक है ना। और केरला का तट क्या कहलाता है, मालाबार, ठीक है ना। कोंकण कौन सा एरिया है, कोंकण कौन सा क्षेत्र है, गोवा से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, ठीक है ना। ध्यान रहे भाखड़ा नांगल बांध पहले भी क्वेश्चन आया था पिछले डिस्कशन में, 224 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और इससे जो प्राप्त करते हैं वो हरियाणा पंजाब और राजस्थान इससे जल प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यह है सतलज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ना राज्यों में वो होती है अनुच्छेद 164 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 164 के तहत चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है राज्यों के लिए, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़े आसानी से आंसर दे लोगे, उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। स्वागत है विजय प्रिजवान आपका, ठीक है ना। उत्तराखंड में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो निर्वाचित सदस्य आपको पता है कितने हैं, 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 सीटें हैं, हरिद्वार है, पौड़ी की सीट है, नैनीताल है, नैनीताल की सीट है, और अल्मोड़ा की सीट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और टिहरी की सीट है, इस प्रकार 5 सीटें हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत तो हमेशा एक ही होता है, एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं राज्यपाल, ठीक है ना, 70 पे चुनाव और एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लबासना कहाँ पे है, मसूरी में। आपको ये बताना है कि लबासना की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है ये, लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, अमूमन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एनपी नवानी थे, कौन थे, एनपी नवानी थे, ठीक है। एनपी नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यहाँ पे एपी लिखा है, तो एपी नवानी है, वर्तमान आपको पता ही होंगे वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, आनंद सिंह रावत है वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तराखंड में तो अभी तक 2 ही महिला राज्यपाल हुई है, एक मार्गरेट अलवा हुई है, एक वर्तमान में बेबी रानी मौर्य है, तो मार्गरेट अलवा सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, जो ये अगला सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय संघवाद इंडियन फेडरलिज्म में, बिल्कुल सरोजनी नायडू बमूला एजुकेशन से, ये विविधता में एकता को जो प्रोत्साहित करने वाली प्रोन्नत करने वाली निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, भारत में कौन ऐसी संस्थाएं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुफीद हैं, सही है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अर्थात कहने का मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे 28 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उनमें और संघ के बीच में जो रिलेशन के लिए है, है ना, यूनिटी है, हैं हम 28 राज्य लेकिन यूनिटी फिर भी है, तो सभी संस्थाएं ध्यान रखें,
इन सभी का जो कार्य होता है लगभग लगभग वो केंद्र और राज्यों के बीच का जो है एक एक सेतु का कार्य करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय एनडीसी जिसे कहते हैं, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक सिंगल जो है एक हरी नाग वो है हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सारी की सारी क्या है, संघवाद में विविधता और एकता को प्रोन्नत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर में स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था 370। आपको ये बताना है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किस दिन हुआ था, किस दिन जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, वो तिथि आपने बतानी है वर्ष 2019 की, वो कौन सी तिथि थी जिस दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, ये आपको तिथि बतानी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्तित्व में किस दिन आए, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी, ब्रमोला एजुकेशन, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 31 अक्टूबर आपको याद होगा, 31 अक्टूबर वल्लभ भाई पटेल जी का क्या था जन्म दिवस होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो उसी दिन अस्तित्व में आए थे। पुनर्गठन विधेयक पहले पास हो चुका था, अधिनियम बन चुका था, लेकिन क्रियान्वयन किस दिन से किया गया उस अधिनियम का, वो किया गया 31 अक्टूबर 2000, किस वर्ष के, वर्ष 2000, ठीक है ना, आपको बताना है किस वर्ष किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये दिया गया है ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है, ध्यान रखें, तो ओबीसी का जो स्वागत है अमनीत कुमार मौर्य आपका, वर्ष 2019 में, बिल्कुल सही, 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, तो किन अनुच्छेदों के तहत ओबीसी को पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ध्यान रखें कि जो भारतीय संविधान में आरक्षण की जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 में जिक्र किया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में यानी इस कॉलेज यूनिवर्सिटीज में या जो जहां से एंट्रेंस स्कूलों में होता है उन ऑर्गेनाइजेशन में आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, और ऐसे ही 16 अनुच्छेद 16 में किया गया नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के अवसर में आरक्षण का प्रावधान, तो सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान स्कूलों में किया गया, अनुच्छेद 16(4) के तहत नौकरियों में किया गया, सरकारी नौकरियों में, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना, अब ईडब्ल्यूएस भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया, यह आपको आंसर देना है, इसका आप सोच के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रहे, जीने का अधिकार जो हम कहते हैं नॉर्मली, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, ध्यान रखें, अनुच्छेद 21 में यह वर्णन किया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जीने का अधिकार है, ठीक है ना, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, ये कहा गया, अनुच्छेद 21 को में शिक्षा का अधिकार को भी जोड़ा गया है मूल अधिकार के रूप में, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 20 जो संबंधित है आपको पता है, अनुच्छेद 20 यह दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से बात की गई है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है ना, कि उसे एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, जो कानून है उसी कानून के हिसाब से, नए कानून या पुराने कानून से नहीं प्रताड़ित किया जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन है, और अनुच्छेद जो 22 है उसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, जैसे 24 घंटे के अंदर किसी को अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है ना, तो ये सारी की सारी चीजें खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग की बात हो रही है, एसटी आयोग ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है, एसटी आयोग ध्यान रखें, एसटी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है,
तो ध्यान रखें जो संयुक्त राष्ट्र के डेमोक्रेटाइजेशन की बात हो रही है, लोकतांत्रिकरण की बात हो रही है, तो उसका जो संबंध है महासभा से है। ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका प्रतीक व सत्र बुलाया जाता है, ध्यान रखें, और इसमें प्रत्येक कंट्री को अवसर दिया जाता है बोलने के लिए, ध्यान रखें। और महासभा को ध्यान रखें क्या कहते हैं, दुनिया का इसकी कार्यपालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी कार्यपालिका भी कहते हैं महासभा को, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। महासभा को कार्यपालिका कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं दुनिया का, और इसमें कितने सदस्य हैं टोटल 15, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें कितने स्थायी सदस्य और कितने अस्थायी सदस्य हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टोटल 15 सदस्य हैं, और ध्यान रखें कि 15 सदस्यों में से मिनिमम 9, अगर कोई प्रक्रिया संबंधी मामला है 9 वोट होना जरूरी है, और किसी भले ही 14 वोट पड़ जाए और एक स्थायी सदस्य ने वोट नहीं दिया तो उस दशा में उसको रोक दिया जाएगा, वो पास नहीं माना जाएगा उस प्रकार का प्रस्ताव, ध्यान रखें। तो कितने स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में और कितने अस्थायी हैं कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और भावना जोशी बिल्कुल सही आंसर है आपका, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसमें, ठीक है। भारत भी इसकी दावेदारी कर रहा है कि परमानेंट मेंबर की, लेकिन चाइना बार बार टांग मिला रहा है उसमें। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। तो भारत में सार्क सम्मेलन 1986 में आयोजित किया गया था। आपको पता है कि सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी, ठीक है ना, काठमांडू जकार्ता में इसका जो हेडक्वार्टर है, और 85 में इसका पहला जो सार्क सम्मेलन है, पहला सम्मेलन है, वो ढाका में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, 85 में स्थापना हुई थी। लेकिन भारत की जहां तक बात है तो भारत में 1986 में क्या किया गया था, पहली बार किया गया था इसका जो सम्मेलन है। आपको ये बताना है कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना, 8 सदस्य सार्क में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है ना, इसका नाम कितने इसमें सदस्य हैं, 8 हैं, नाम बता दीजिए अगर बता सकते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर किया गया था, तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1997 का क्योटो, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अमूमन पर्यावरण में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 वाला, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है, इनमें से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है, पहल न करना, बिल्कुल पहले न करने की नीति है हमारी, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, परमाणु सिद्धांत के भाग हैं, ठीक है ना, परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51, ये बार बार अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, 2001 में ब्रिक शब्द किसने गढ़ा था, किसने दिया था ब्रिक शब्द, तो जिम ओ नील, नील ने दिया था, और ध्यान रखें जिम ओल नील ने 2001 में ये नाम दिया था, 2009 में क्या हुआ था, ब्रिक की स्थापना हुई थी, और 2010 से ये ब्रिक्स हो गया था, ठीक है ना, ये ब्रिक जो शब्द गढ़ा था इन्होंने, ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, अब साउथ अफ्रीका भी इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासन में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत हुई, तो ध्यान रखें भारत में जो उदारीकरण के चरण की, प्रथम चरण की आरंभ किया गया, वो किया गया नरसिम्हा राम के राव के टाइम पे, 91 से 96 तक नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री 1991 से 96 तक, और यह ऐसे प्रधानमंत्री बने जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे आपको पता है हमने क्या किया था, एलपीजी जो किया था, लिबरलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है, तो ध्यान रखें भारत में 2016 में जो राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी वो टीएमसी को दी थी, तृणमूल कांग्रेस पंजाब में जिसकी सरकार है। तो देखिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये वो पूरे कर चुका था, या तो उसने 2% लोकसभा की सीटें जीत ली हो, ठीक है, कम से कम 3 राज्यों में, 3 या 3 से ज्यादा राज्यों में, ठीक है, या तो उसने
लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में 6% वोट प्राप्त कर लिए हों, कम से कम 4 स्टेट्स में या ज्यादा स्टेट्स में, ठीक है ना, और साथ ही साथ 2 लोकसभा की सीटें भी जीती हो, तो इन दोनों कंडीशन में से जो भी फॉलो होगी वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। टीएमसी राष्ट्रीय दल बना था। आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं और कौन कौन से, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारतीय दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। ध्यान रहे, जब स्वतंत्रता के बाद एक दल था ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, एक दलीय प्रभुत्व था जब, तो उस दरमियान किसने वर्णन किया था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद, पता है कांग्रेस की सरकार थी निरंतर, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था को किसने जिक्र किया था, तो वो किया था जी रजनी कोठारी ने। किसने किया था, ध्यान रखें, ये रजनी कोठारी है क्या, ये कोई फीमेल नहीं है, ध्यान रखें ये मेल है, और ये इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक थे, ये हैं तो नहीं है अब, 1928 में जन्म हुआ था, 2015 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, है ना, एग्जाम्स में, तो भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता, राष्ट्रीय दल घोषित करना या राज्य स्तरीय दल घोषित करना इत्यादि, ये कार्य सारे निर्वाचन आयोग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के, ध्यान रखें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग अंजलि, स्वागत है आपका, न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने की थी, ध्यान रखें जो पंचायत है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, वो हमने उस पर पूरा जिक्र किया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, ध्यान रखें, पहली पंचायतों पर जो समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, लेकिन अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है ना, न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, और ध्यान रखें अशोक मेहता समिति का जो गठन था वो 1977 में कर दिया गया था, 1977 में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिए अगला सवाल है, ऐसे सवाल अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस में उल्लेख किया गया है, तो 3 सूचियां भारतीय संविधान की, 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना, तो पंचायती राज अधिनियम की जो व्यवस्था की गई है वो राज्य सूची में की गई है, ठीक, किस में की गई है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, राज्य सरकारें इनमें कानून बना सकती है, अगर केंद्र का कानून है तो वो पहले माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित कौन नहीं है, जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का कार्य नहीं है इसका, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है, ऐसे क्वेश्चन अमूमन पंचायतों से एक आध बनते हैं, तो ध्यान रखें जो भारतीय संविधान है उसके 243 अनुच्छेद में जिक्र किया गया है पंचायतों का, और उसमें अनुच्छेद 243 डी जो है उसमें एससी एसटी के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात की गई है, ठीक है ना, तो एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण जो किया गया 243 डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई किस देश से हुई थी, तो सेवा का अधिकार राज्य सरकारों ने भी घोषित किया है, उत्तराखंड सरकार ने लगाया है, तो आपको यह बताना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ था सेवा का अधिकार अधिनियम, सेवा का मतलब यह है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं उनको एक फिक्स ड्यूरेशन में क्या है डॉक्यूमेंट वापस बना के देने होंगे, और नहीं देने होंगे तो दंड उन पर लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना, इस अधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्न मदों में से किसमें सबसे अधिक धनराशि, तो ध्यान रखें ये तो हमेशा की ही बात है, अगर इस बार भी आएगा तो शायद यही हो, स्कूली शिक्षा को सबसे ज्यादा दी, उसका वजह क्या है,
कि जो सैलरी वगैरह दिए जाती है वो शिक्षक सबसे ज्यादा है राज्य में, सेवा क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में। तो शिक्षकों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए स्कूली शिक्षा को ज्यादा जो खर्च है धनराशि आवंटित की जाती है। जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, आपको पता है जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध परियोजना है, जिसकी 260.5 जो मीटर हाइट है, एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो डैम है। और दूसरी बात की यह भागीरथी और बिलंगना नदी पर स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरेला पर्व संबंधित है, तो हरेला का संबंध किससे है? तो हरेला का संबंध है पौधारोपण से। किससे है? पौधारोपण से। 5 जुलाई को होता है। स्वागत है नवीन भट्ट। ओके, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? पौधारोपण से संबंधित है, ठीक है ना। 5 जुलाई को मनाया जाता है ना हरेला, हरेला पर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में का कौन सा एयरपोर्ट हवाई अड्डा सबसे सर्वाधिक संचालन में है? तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जिसे देहरादून एयरपोर्ट नाम दे दिया गया है। अगर आप बता सकते हैं हरेला क्या है, हरेला त्योहार है या हरेला पौधारोपण से है, ठीक है, इसको भी आप कीजिएगा। हरेला त्योहार है या पौधारोपण है, आप कीजिएगा इसे सॉल्व। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक फंक्शन में है? तो देहरादून जॉली ग्रांट है एयरपोर्ट है, अब उसका नाम देहरादून एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। ऋषिकेश और देहरादून के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2015 में पंतनगर उधम कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में, गौचर है चमोली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2015 में, बिल्कुल ईसा मन्ना त्योहार है सर, सावन के महीने में मनाया जाता है, बिल्कुल। जो हरेला है, हरेला एक पर्व है, क्या है? पर्व है। तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, हरेला एक त्योहार है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव कंसवाल स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अब इसको आपने नोट करना है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में पर्यटक तत्व है? इसका कोई अब तो लॉजिक नहीं बनता। गुड इवनिंग स्वातिपाल, आपका स्वागत है। तो बद्रीनाथ में आए थे, लेकिन आपको बताना है कि वर्ष 2019 में सर्वाधिक तीर्थयात्री कहाँ आए थे, जो लेटेस्ट है, ठीक है ना, पिछले साल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे? तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग जनपद में, तकरीबन 2 लाख जनसंख्या यहाँ पर है, और हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। आपने ये बताना है कि जो पिछला क्वेश्चन था कि 2019 में कहाँ पे सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आए थे, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार है, ठीक है। तो भारत का, गुड इवनिंग सोना डंगवाल स्वागत है आपका, प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत है। तो चीन भारत के क्या है? विदेशी व्यापार का एक बड़ा साझेदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें, इसे रट लें। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1999-2000। आपको ये बताना है, एक किसानों से संबंधित बहुत आता है क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इससे आपका भी मेमोराइज हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की बात हो रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात? आपको पता होगा कि जो लिंगानुपात की बात हो रही है, तो हरियाणा, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, और एक स्कीम और उसके बाद लॉन्च की गई थी, वो कि सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको ये बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम था, ठीक है, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरला में है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, जो नेशनल इनकम है, जब हम गणना करते हैं कि कितनी है, अल्प रोजगार भी नहीं है, मुद्रा स्फीति भी नहीं है, बचतों का निम्न अंतर भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गैर मौद्रिकृत उपभोग, जो नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन है, जो आता ही नहीं है, जो काउंट ही नहीं होता है, जो कहते हैं ना एक जो जो पकड़ में आता ही नहीं है, जो खर्च पकड़ में आता ही नहीं है, है ना।
तो वो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है, तो ध्यान रखें, कृषि के अनुराग गौर स्वागत है आपका। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक नाबार्ड है, ठीक है ना। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है ये नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। 1982 में इसका जो स्थापना की गई थी नाबार्ड की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का था तो इसे छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आकर्षित होता है, तो वो होता है सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है, तो वो है सेवा क्षेत्र को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर तो आपको पता ही है, आप बता दीजिए क्योंकि ये तो करंट अफेयर 2016 का है, तो रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन होंगे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इस पर हम पिछली काफी बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा संयुक्त सूचकांक, किसका संयुक्त सूचकांक है, तो ध्यान रखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होता है एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, बिल्कुल सही है शक्तिकांत दास, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक एजुकेशनल अचीवमेंट होता है और एक प्रति व्यक्ति आय होती है, पर पर्सन इनकम होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, इन तीनों के आधार पर SDI को नामित किया जाता है। आपको यह बताना है कि वर्ष 2019 में भारत की SDI विश्व स्तर पर जो SDI है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी रैंक है, अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सीमांत ज्योत का आकार है, तो भारत में जो सीमांत ज्योत का आकार है वो क्या है, तो भारत में जो सीमांत ज्योत का आकार है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था, ध्यान रखें ब्रिक्स में हुआ था, आपको हमने पहले चर्चा की थी, जिम ओनील ने ब्रिक शब्द गढ़ा था 2001 में, 2009 में क्या हुआ था, ब्रिक अस्तित्व में आया था सिर्फ 4 देशों का, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना, लेकिन 2010 से क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया इसे, साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ा गया, ठीक है ना, तो 2010 में इसको जोड़ा गया, ब्रिक्स में परिवर्तित किया गया साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, ठीक है ना, एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया है, कहां पर एक बैंक इनकी तरफ से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो करंट अफेयर का, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेक की बात हो रही है, OPEC ओपेक की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ओपेक का जो है न्यूयॉर्क नहीं है महेंद्र माई, आप चिन्ह देख लीजिए, से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम की कीमतों पर भी नियंत्रण होता है, यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। ओपेक का जो होता है, ध्यान रखें ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, कब हुई थी, 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है, ठीक है ना। और इसका कार्य है पेट्रोलियम का उत्पादन करना, इसमें जो अभी जो देश हैं वो कितने होंगे ये आपको बताना है कि ओपेक में अभी कितने देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में आयात शुल्कों में कटौती, ग्लोबलाइजेशन में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, तो ध्यान रखें आयात शुल्क में कटौती वैश्वीकरण में नहीं है, ठीक है ना, आयात शुल्क में कटौती ग्लोबलाइजेशन
मैं चीजें तो है, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव है और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश है, लेकिन आयात शुल्क में कटौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं, ये आपको बताना है इसका आंसर कि विश्व बैंक में कितना सदस्य देश हैं, आपको ये बताना है कि विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं। तो साथियों 50 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं ये आपको बताना है, और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है ना, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है ये, इसके क्वेश्चन काफी वर्तमान के पेपरों में देखने को मिल रहे हैं और आपके कंपटीशन में भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। 189 सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक में, या 193 है, आपको बताना है, ठीक है। तो अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, और शुभ रात्रि आप सभी को, अपना ख्याल